Welcome to my presentation. This is a presentation where I am going to give you the information regarding India and forex trading, whether it is legal or banned. Forex trading India में banned है कि legal है, इसके बारे में हम एक छोटा सा presentation आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं. सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है. वी शुड नो इट व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग और रादर बिफोर गोइंग फॉर द फॉरेक्स ट्रेडिंग फर्स्ट वी नो व्हाट इज ट्रेडिंग. एवरी बाय सेल ऑफ एनी प्रोडक्ट एंड सर्विस इज अ ट्रेडिंग. आप कुछ भी प्रोडक्ट और सर्विस के बदले में अगर कोई पैसा रेमुनरेशन ले रहे हो दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग. इन इंडिया फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए कोई पनिशमेंट नहीं है. फॉरेक्स में भी जो ट्रेड हो रहा है उसमें दो करेंसी के अंतर का एक बाय सेल हो रहा है तो उसके लिए कोई ट्रेडिंग के लिए कोई पनिशमेंट नहीं आएगा. लेकिन पनिशमेंट कहाँ पे है, फिजिकल यूएसडीटी का जो मिसयूज होगा तब जाके आरबीआई एक लॉ है हम लोग का फॉरेन एक्सचेंज लॉ है तो उसके अंदर हम लोग को मिसयूज ऑफ फॉरेन करेंसी मोस्टली वी मस्ट से रिगार्डिंग द यूएस डॉलर यूएसडीटी सो उसके लिए हम लोग को प्रॉब्लम है. सो दैट्स वाई हम लोग डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू ऑनलाइन इंटरनेशनल पेमेंट बहुत ही रिजर्व है. मेनी पीपल कैनॉट डू दिस ट्रेडिंग कैनॉट पे फॉर एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट सर्विस ईजिली बाई यूजिंग द डेबिट कार्ड. देर आर सम लिमिटेशंस. आप उसके लिए बहुत सारा फॉरन एक्सचेंज इंटरमीडिएटर्स है जो कि एजेंट के टाइप कन्वर्शन एजेंट के टाइप में काम करता है लाइक स्क्रील नेटेलर एंड राइट नाउ वी कैन सी द क्रिप्टो करेंसीज. बिटकॉइन से लेके बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज है. वी कैन यूज दोज क्रिप्टो करेंसीज ऑल्सो टू बाई एनी थिंग ऑनलाइन फ्रॉम द फॉरन. ओके सो फॉरन एक्सचेंज ट्रेडिंग में ज़्यादातर क्या होता है, कोई दूसरा कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं बाय किया जाता है. बेसिकली जो करेंसीज होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसीज आर देयर थ्रू आउट द वर्ल्ड जैसे यूएसडी अमेरिकन डॉलर ऑस्ट्रेलियन डॉलर येन दीज आर द ऑल द थिंग्स ऑल द करेंसीज आर देयर. सो एंड वो जो करेंसीज मार्केट होता है कन्वर्शन मार्केट होता है दैट इज कॉल्ड द फॉरेक्स मार्केट. और उस कन्वर्शन मार्केट में ये जो ट्रेड होता है थ्रू आउट वर्ल्ड में जितना भी बिजनेस हो रहा है वर्ल्ड बिजनेस फोरम में जो बिजनेस हो रहा है उधर करेंसीज ट्रांसफर करना पड़ता है. बिजनेस का जो इकोनॉमी चल रहा है ना वर्ल्ड इकोनॉमी उसमें बिजनेस होता है थ्रू आउट वर्ल्ड का जितना भी कंपनीज है वो अपना बिजनेस को चला रहे एंड वेन एवर दे आर डूइंग द बिजनेस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री क्रॉस कंट्री कन्वर्शन में तब जाकर अपना बिजनेस में दे नीड टू पे इन फॉरेन करेंसीज. सो एट दैट टाइम दे नीड टू बाई दैट करेंसी इन लीव ऑफ देयर ओन करेंसी. जैसे मानिए आप अगर एग्जाम्पल के तौर पर इफ आई वॉन्ट टू टेल यू कि इफ टाटा इज डूइंग एनी बिजनेस इन जर्मनी so then for that they need to pay that amount whatever the expenses they need to do they need to pay the amount in German that is in euro. So in that case they need to pay convert the rupee into euro. So that is the formation of at that time this trade this is called trade. And how this trade will be going off, that trade will be performing through the bank. So इसको बोला जाता है foreign exchange. और ये जो जब trade होगा ना एक suppose मैंने इस treaty के दौरान इस ये तो एक बिजनेस ट्रीटी हो जाएगा तो ये ट्रीटी के दौरान एक बल्क अमाउंट का ट्रेडिंग होता है तो उस ट्रेडिंग के लिए जो एक्सचेंज का जो बाई सेल का जो ग्राफ होता है उस ग्राफ में बहुत अंतर पड़ता है. एंड दैट इज उस बाई सेल का मोडस ऑपरेंडी में तब जाके जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू हो रहा है तो इस ट्रेडिंग में हम लोगों का फॉरेक्स में इनकम होता है. ब्रोकर्स इनकम करते हैं और जो ट्रेड करते हैं उसको भी इनकम आ जाता है. सो दिस इज द वे वेयर इनफैक्ट बिगिनर्स कैन ऑल्सो डू इट. लेकिन इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है कि बैंड है ये सबसे जरूरी है जानना. लेकिन उस जरूरी के पीछे हमको नॉलेज चाहिए, लीगल नॉलेज चाहिए. देख इधर अंडरस्टैंडिंग के दौरान मैं ये बोलूँगी कि हम लोग इधर एज पर इंडियन लॉ फॉरेक्स ट्रेडिंग एज फेरा इंडियन फॉरेक्स एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट जो फेरा एक्ट है हम लोग इधर इंडिया में इधर फॉरेक्स ट्रेडिंग का दो पहलू है टू फेसेस. एक तो है फिजिकल ट्रेडिंग दूसरा है डिजिटल ट्रेडिंग. अब ये फिजिकल ट्रेडिंग तो हम लोग को सबको मालूम पड़ गया कि बाई सेल कुछ भी होता है प्रोडक्ट एंड सर्विस उसको ट्रेडिंग बोला जा रहा है. अब फिजिकल ट्रेडिंग और डिजिटल ट्रेडिंग क्या है फॉरेक्स ट्रेडिंग में तो हम एक एग्जांपल दे रहे हैं आप लोगों को, दो तीन एग्जांपल मैं दे रही हूँ अभी थोड़ा समझ लीजिए तो आपको फिजिकल ट्रेडिंग क्या होता है वो आपको समझ में आ जाएगा. सपोज मानिए मैं दुबई में जा रही हूँ तो दुबई में जाने के लिए मेरे को पासपोर्ट तो चाहिए लेकिन पासपोर्ट के साथ साथ मेरे को और एक चीज़ चाहिए. दुबई में तो मैं कुछ भी खर्चा करूँगी कुछ भी बाई करूँगी या होटल में बिल चुकाऊंगी उसके लिए सब कुछ के लिए आई नीड टू पे इन दिरहम. तो
मैं अप्रोक्सीमेट मेरा खर्चा तो समझ में आ जाता है, तो मेरे को लगता है कि ठीक है मैं दुबई जाऊंगी तो मेरे को अप्रोक्सीमेट अगर 50,000 रुपीज होगा दिरहम तो मेरा सब कुछ चल जाएगा। तो इंडिया गवर्नमेंट का एक रूल है फिरा के अंडर कि मेरा जो स्थिति है एज पर इनकम टैक्स, तो मेरा एक सिविल रिकॉर्ड के हिसाब से मेरे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ करेगा, तो मेरे को अलाउ किया 50,000 रुपीज का दिरहम मैं कैरी कर सकती हूँ। तो वो मैं कोई भी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एक्सचेंजर से मैं 50,000 रुपीज़ का दिरहम एक्सचेंज करके मैं लेके गया दुबई। उधर मेरा ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा हुआ था 38,000 रुपीज़ का दिरहम, तो बाकी जो 12,000 रुपीज़ का दिरहम वो मैं इंडिया में लेके चलाया। लेकिन ये जो दिरहम 12,000 रुपीज़ का दिरहम मेरे साथ है वो मैं मेरे साथ नहीं रख सकती। मैं इधर आने के बाद सपोज मैंने मैं इधर उस दिरहम को लेके कोई भी दुकान में जाके मैं पेमेंट नहीं दे सकती, कोई भी चीज़ सामान नहीं खरीद सकते। या सपोज मेरा कोई रिलेटिव है और उसको मैं बोलूँगी चलो तुम दुबई जा रहे हो, शायद वो दुबई जाता है, तो मैं बोलूँगी कि चलो ये दिरहम मैं तुमको दे रही हूँ तुम इसको लेके जाओ, ये भी नहीं हो सकता है। ऑल दीज आर कॉल्ड एज फिजिकल ट्रेडिंग। सपोज आपको समझ में आ चुका है दीज आर कॉल्ड फिजिकल ट्रेडिंग, जहाँ पे मेरा हाथ में फिजिकली वो करेंसी है तो इसको बोला जाता है फिजिकल ट्रेडिंग। और एक चीज़ है फिजिकल ट्रेडिंग में जहाँ पे स्पोर्ट्स बड़ा बड़ा जो स्पोर्ट्स इवेंट होता है जैसे क्रिकेट का होता है, आईपीएल का होता है, या फुटबॉल का भी बहुत बड़ा जो वर्ल्ड मैच होता है वर्ल्ड कप के दौरान, तो इस इधर स्पोर्ट्स बेटिंग बहुत होता है, उधर में भी फिजिकल करेंसी फॉरेन करेंसी का ब्लैक ट्रांजैक्शन होता है, फिजिकल फॉरेन करेंसी का ब्लैक ट्रांजैक्शन होता है। तो दीज आर ऑल बैंड, इसको बोला जाता है फिजिकल ट्रेडिंग एंड दीज आर ऑल बैंड। हाँ, आप अगर दुबई से आके कुछ 5-6 दिरहम एज अ सुवेनिर रखना चाहते हैं वो अलाउबल है, लीगली अलाउबल है। हम लोग तो बहुत सारा लोग हैं जहाँ पे हॉबी है बहुत सारा कंट्रीज का नोट इकट्ठा करने का, दैट इज अलाउबल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया गवर्नमेंट का। लेकिन हम अगर जो ऑफिशियली मैं लेके गया जिस नोट को कन्वर्ट करके दिरहम में, उसमें से अगर मैं कुछ भी पैसा को अनऑफिशियली यूज करूँगी तो वो डेफिनेटली बैंड है और इसको ही फिजिकल ट्रेडिंग बोला जाता है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज डिजिटल ट्रेडिंग एज पर फेरा। अगेन मैं बोलूँ कि इधर कुछ भी पाइसल होगा दैट इज कॉल्ड ट्रेड, उसी के हिसाब से। सो ऑल ऑनलाइन बेस्ड प्रोफेशनल्स आर डूइंग इनडायरेक्ट डिजिटल फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉर द लास्ट 25+ ईयर्स इन इंडिया। जब से इंडिया में इंटरनेट आया है अब मोर देन 25 ईयर्स हो चुका है, तो तब से मैं बोलूँ जितना भी ऑनलाइन बेस्ड प्रोफेशनल्स है, जैसे हम मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनर्स बोलेंगे, बहुत सारे फ्रीलांसर्स है, वेरियस ऑनलाइन एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज है जहाँ पे बहुत सारे मार्केटर्स एफिलिएट मार्केटर्स काम करते हैं ऑनलाइन में। हम लोग अभी इस कोविड के दौरान हम लोग जूम ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, उधर भी हम लोगों को मंथली पेमेंट करना पड़ता है, जो लोग बहुत बड़ा स्केल में ट्रेनिंग देते हैं तो जूम के लिए उधर पेमेंट करना पड़ता है। इवन फॉर द यूट्यूबर्स, बहुत बड़ा बड़ा यूट्यूबर्स है जो लोग पेमेंट ले रहे हैं, दे आर अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब। सो उधर भी ऑल दीज आर एक्चुअली आर कमिंग अंडर द परव्यू ऑफ डिजिटल ट्रेडिंग, डिजिटल फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब देखिए इधर हम लोग को क्या मिल रहा है, हम लोग को डॉलर मिल रहा है थ्रू दिस ऑल दिस प्रोफेशंस। एंड मोस्टली अभी क्या हो रहा है, हम आप बोलेंगे कि अभी डॉलर के थ्रू तो हम लोग ज़्यादा नहीं ले रहे, मोस्टली हम लोग बीटीसी में ले रहे हैं, बिटकॉइन में ले रहे हैं। लेकिन बेसिकली बीटीसी क्या हो रहा है, बीटीसी का जो कन्वर्शन हो रहा है डॉलर में ही तो हो रहा है ना। देखिए जो भी बीटीसी आप ले रहे हैं दैट इज़ इक्विवेलेंट टू द डॉलर, यूएस डॉलर। अब जब डॉलर में हो रहा है बीटीसी, जब आप बैंक में ले रहे हैं तो बैंक में कैसे हो रहा है, बहुत सारे पेमेंट आप डायरेक्टली पेपॉल, नेटेलर, स्क्रील, ये सब डायरेक्टली बैंक में आप ले सकते हैं डॉलर को, ये सब पेमेंट प्रोसेसर्स के थ्रू। लेकिन आप अगर बीटीसी के आप बोलेंगे तो बीटीसी के कन्वर्शन में क्या हो रहा है, बीटीसी पहले आप ले रहे हैं इक्विवेलेंट टू डॉलर, यूएस डॉलर, दैट मीन्स उधर तो फॉरेन करेंसी हो ही रहा है। अब वही डॉलर को आप, वही डॉलर का वैल्यू जो बीटीसी में आप होल्ड कर रहे हैं, उस डॉलर का वैल्यू को आप जब डायरेक्टली बैंक में ले रहे हैं, आइदर बैंक ट्रांसफर में ले रहे हैं या पी टू पी मोड में ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं वो फॉरेक्स ट्रेडिंग के परव्यू में आ जा रहा है। और ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग आप कर रहे हैं ये डिजिटली हो रहा है टोटली। तो इसीलिए फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या होता है, अगर ये प्रोसेसिंग हम जो बोल रहे हैं अभी एग्जांपल दे रहे हैं, वी आर अर्निंग फॉरेन करेंसी जो कि लीगली इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग का नेशनल फॉरेन करेंसी रिजर्व को। जब भी आप प्रोफेशनली अर्निंग करें, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, जब आप प्रोफेशनली किसी भी तरीके से ऑनलाइन से डॉलर अर्निंग कर रहे हैं और उस डॉलर को इंडिया में आपका बैंक में लेके आ रहे हैं, तो आप लीगली देश का जो नेशनल फॉरेन करेंसी रिजर्व है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। मोरओवर इंडिविजुअली हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जब आप डॉलर को लेके आ रहे हैं बैंक में, कन्वर्ट हो रहा है आपका बैंक में, तब क्या हो रहा है, आपको ऑफिशियल रेगुलेटेड कन्वर्शन फी पे करना पड़ता है, बैंक सर्विसेज देना पड़ता है, और ऊपर से प्रॉपर इनकम टैक्स साल भर का इनकम जब आपका कैलकुलेट होकर एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब वो भी आपको पे करना पड़ता है, तब जाके ये टोटल जो अर्निंग बेसिकली आपका लीगल फॉर्मेशन में आ रहा है।
डिजिटल फॉरेक्स ट्रेडिंग, आप ये आप बोलेंगे तो आप इतना सारा जो भी बोल रहे थे कि ऑनलाइन में तो दिस आर ऑल एक्सेप्टेबल, लेकिन जो फॉरेक्स ट्रेडिंग हो रहा है MT4 MT5 के थ्रू, तो उसके बारे में देखिए, डिजिटल फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑल्सो लीगल इन इंडिया. क्यों? बिकॉज अ पर्सन इज डायरेक्टली डूइंग ट्रेडिंग इन MT4 MT5 थ्रू अ फॉरेक्स ट्रेडर, फॉरेक्स ब्रोकर. जो भी फॉरेक्स ब्रोकर होता है उसका ब्रोकर जो रजिस्ट्रेशन, जब भी आपको कोई ब्रोकर MT4 MT5 में उसका अकाउंट देता है, दैट मीन्स उसका रजिस्ट्रेशन है. ब्रोकर का सर्विस डिफर कर सकता है, लेकिन एनी ब्रोकर, फॉरेक्स ब्रोकर आउटसाइड ऑफ इंडिया आपको अगर MT4 MT5 में अकाउंट देता है ट्रेडिंग करने के लिए, दैट इज मीन दैट वो फॉरेक्स ब्रोकर लीगल है. कोई ना कोई देश का लीगल फॉरेक्स प्लेटफॉर्म, लीगल प्लेटफॉर्म में रजिस्टर्ड है, तभी जाके आपको वो फॉरेक्स प्लेटफॉर्म के थ्रू, MT4 MT5 प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए एक अकाउंट दे सकता है, नहीं तो आप कभी नहीं ले सकते. सो अल्टीमेटली आप उधर लीगल सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशन बन रहे हैं. ऐसे करके इंडियन गवर्नमेंट आपको एक लीगल सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल के थ्रू, आपको लीगल इंडियन सिटीजन राइट है, आप लीगली कोई भी प्रोफेशन आप चूज कर सकते हैं जहां से गवर्नमेंट का, मीन्स आपका देश का कोई नुकसान नहीं है, तो आप डेफिनेटली उस प्रोफेशन को चूज कर सकते हैं. सो दिस इज द वे जहाँ पे डिजिटल ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग हम लोग कर सकते हैं MT4 MT5, जो कि इंडिया गवर्नमेंट कभी भी उसमें नहीं बोला कि ये बैंड है. लेकिन फिजिकल फॉरेक्स ट्रेडिंग आपको कभी भी आप मिसयूज नहीं कर पाएंगे. जब भी फिजिकली आप कोई भी करेंसी आप लेंगे बाहर जाने के लिए, तो उसका जो ऑफिशियल ट्रांजैक्शन होगा पूरा सेटलमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो डेफिनेटली आप एक इलीगल काम करेंगे. दिस इज द टोटल प्रोसीड्योर आपको समझना पड़ेगा. दिस इज द टू फेसेस ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग इन इंडिया. और जो भी आपको दिमाग में है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में बैन है, तो प्लीज गो थ्रू मेरा टोटल, ये जो प्रेजेंटेशन मैंने दिया है अभी इस वीडियो में, सही तरीके से आप गो थ्रू कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कोई भी नुकसान नहीं कर रहे, ना तो खुद का नुकसान कर रहे, ना तो देश का नुकसान कर रहे, तो इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. थैंक यू.